नमस्ते स्टूडेंट, मैं पीयूष उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आशा होगा आप अच्छे होंगे स्टूडेंट। आज हमें फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक आपका चल रहा है ADCA, DCA, CCC, BCC कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो फंडामेंटल में टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। पिछले टॉपिक से मैंने आपको बताया था प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी दूसरी कैटेगरी में मैंने आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताया था, और आज जानेंगे हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है, इनकी क्वालिटी क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। मोस्ट मॉडर्न प्रिंटर इंक्लूड इंक जेट एंड लेजर प्रिंटर, डोंट इंक्लूडिंग इन इंक रिबन एंड आर कंसिडर्ड टू बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फॉर एग्जाम्पल, इंक जेट प्रिंटर स्प्रे टीनी ड्रॉप ऑफ इंक इंक इन टू द पेज, वाइल लेजर प्रिंटर यूज सिलेंड्रिकल ड्रम डैट रोल इलेक्ट्रिकली चेंज्ड इन टू इन द पेपर। आई स्टूडेंट जाने इंकजेट प्रिंटर का डिफिनेशन, नॉन इंकजेट प्रिंटर का डिफिनेशन क्या है आपके सामने। ये प्रिंटर कागज पे प्रहार नहीं करते, बल्कि अक्षर या प्रिंट पे प्रिंट करने के लिए स्याही का फुआरा कागज पे छोड़ते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इंकजेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट, जो पहले इसमें डिफिनेशन कह रहा है कि नॉन इंपैक्ट में रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये प्रिंटर की जो स्याही होती है वो लिक्विड या ड्राई पाउडर से बनी होती है, जो डायरेक्ट पेज पर प्रिंट नहीं करते हैं, वो किसी हेड के माध्यम से पेज पर इनको प्रिंट करते हैं। आइए जाने इंकजेट प्रिंट नॉन इंकजेट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने नॉन इंकजेट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो दो ही प्रिंटर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंकजेट प्रिंटर का और लेजर प्रिंटर का। तो आई स्टूडेंट जाने सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। आपके सामने स्टूडेंट डिफिनेशन ऑफ इंकजेट प्रिंटर का डिफिनेशन आपके सामने। इंकजेट प्रिंटर इज द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर प्रिंटिंग दैट रिक्रिएट ए डिजिटल इमेज बाई प्रॉपलिंग ड्रॉपलेट ऑफ इंक इन टू पेपर एंड प्लास्टिक सब्सट्रेट्स। इंकजेट प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ प्रिंटर एंड रेंज फ्रॉम स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंज्यूमर मॉडल टू इन एक्सपेंसिव प्रोफेशनल मशीन। यानी देखा जाए तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसकी इंक क्या होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, और इनका यूज़ प्रोफेशनली ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। आइए इसका डिफिनेशन हिंदी में देखें। तो डिफिनेशन आपके सामने, इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही को बूंदों को जेट की सहायता से कागज पर छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा कैरेक्टर और प्रक्रिया आकृतियां प्राप्त की जाती हैं, जिसे हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। आइए स्टूडेंट जाने इंकजेट प्रिंटर का इमेज क्या है। आपके सामने स्टूडेंट जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये इंकजेट प्रिंटर होता है, जिनका इस्तेमाल आजकल ऑफिशियल क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इसके बगल में जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ये इंकजेट प्रिंटर की स्याही होती है, एक कलरफुल स्याही होती है और एक ब्लैक स्याही होती है। यानी ये जो स्याही, इसमें लिक्विड स्याही भरे होते हैं, अगर इन इंकजेट प्रिंटर से कोई भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं तो वो लिक्विड स्याही को होता है। जैसे आप इंक पेन से लिखिए और पेज पे पानी डाल दीजिए तो पेज का इंक क्या होता है फैल जाता है, उसी प्रकार इंकजेट प्रिंटर से लिखा हुआ कोई भी लेटर पे अगर वाटर आप डाल जाते हैं तो वो फैल जाता है। इसीलिए इनका केवल ऑफिशियली यूज़ की जाती है, प्रोफेशनल लाइफ में इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए स्टूडेंट अगला जाने लेजर प्रिंटर क्या होता है। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन ऑफ लेजर प्रिंटर का है, जाने डिफिनेशन। लेजर प्रिंटिंग इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस, इट्स द प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक बाय द रिक्रिएटली पासिंग एंड लेजर बीम बैक एंड फोर्थ ओवर
एंड निगेटली चेंज सिलेंडर कॉल्ड एंड ड्रम टू डिफाइन ए डिफरेंटली चेंज इमेज। तो ये लेजर प्रिंटर है, आइए स्टूडेंट्स का डेफिनेशन हिंदी में जाने। लेजर प्रिंटर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ प्रिंटर होता है। इसमें किसी भी प्रकार के रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें लेजर किरण एवं प्रकाश के स्रोतों से इमेज को उत्पन्न किया जाता है। लेजर की किरणों को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नीचे पैरा चेंज करते हैं। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। यह बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट देता है। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड बहुत तेज होती है और इसके द्वारा प्रिंट किए गए डॉक्यूमेंट बहुत ही स्पष्ट होते हैं। यह एक महंगा प्रिंटर होता है और इसका काफ़ी बड़ा यूज़ होता है। यानी प्रिंटर, ये लेज़र प्रिंटर क्या होता है, इसकी जो इंक होती है वो ड्राई पाउडर के बने होते हैं, यानी एक पाउडर के समान होते हैं। और इसके प्रिंट के डेटा पे अगर आप वाटर डालते हैं तो वो फैलता नहीं है। इसलिए मार्केट में जो बड़े बड़े प्रिंटिंग होते हैं, जहाँ प्रिंटिंग की छपाई की जाती है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर प्रिंट की जाती हैं, तो वहाँ पे जो प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रिंटर से डेटा को इस्तेमाल किया जाता है, वो है लेज़र प्रिंटर। उन्हीं के माध्यम से किसी भी डेटा को हम कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। आइए जाने इसका इमेज क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पर देखिए लेज़र प्रिंटर का इमेज है। जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, एक टोनर होता है, टाइटल मिनरल होता है, ठीक है, आर्टिकल लाइन लेंस होता है, लेज़र डाउटलेट होता है, एंड थ्री साइड मिरर होता है इसमें, वाटर बीन वाइपर ब्लेड होता है, पेपर लगाने के लिए इंजेक्शन सीट होता है, फंगर्स असेंबलिंग होता है इसमें, ट्रांसफर रोलर होता है आपका। तो ये सारे इंटरनल पार्ट्स हैं लेज़र प्रिंटर के, जिसके माध्यम से आप प्रिंट करते हैं। आइए इसका इमेज देखें। तो ये जो स्क्रीन आपके ऊपर दिख रहा है, टोनर रिफिलिंग, टोनर का मतलब होता है स्याही, जिसमें ये जो लंबे लंबे से जो ब्लॉक ब्लैक कलर का जो इमेज दिख रहा है, ये टोनर होता है। इसी में जो हरे जो आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, इसी में स्याही भरा जाता है, जो पाउडर की होती है। इसी स्याही से इस प्रिंटर में ये स्याही इसमें लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी डेटा को आसानी से प्रिंट किया जाता है। इसका यूज़ प्रोफेशनल लाइन में ज़्यादातर किया जाता है। ये प्रिंटर बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही अच्छा होता है। तो स्टूडेंट, आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया है। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में जो जो प्रिंटर आपको बताया गया है, लेजर इंकजेट प्रिंटर, जो आज के डेट में हर बिजनेस क्षेत्र में, हर ऑफिशियल में इन प्रिंटरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर प्रिंटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप इस्तेमाल करें उनके बारे में जरूर जानें, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस रिलेटेड में CCC में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए, जिससे अगर वो ADC या DC लाइन में अगर कदम रखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो घर बैठे इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अगला वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए, और जो अगला वीडियो आएगा जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इनके बारे में हम बताएंगे, इसीलिए बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।